प्रकृति के भीरी एगो काम करेला साथ एगो अलग प्रकार के प्रभाव मिलेला। बकेर जब हमनी प्रकृति के वातावरण में रह करके एगो चित्रकला करेला सा तो एगो दूसर प्रकार के सुंदरता सामने आवेला। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम बा। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाते। जी हाँ, इ बखत हमनी बुबासे में हैजा और हैजा प्रकृति के पास एगो ऐसन हुनरबाज बाते जेकर नाम है अंजना बुझावन। उ चित्रकला के प्रति अपन भीतर के जो रचनात्मकता और कलात्मकता बाते ओकरा दिखावे के एकदम तैयार बाते। तो चला अभी हमर गोरजन बाते पानी में बाते एगो बहुत ही सुंदर छोटका नदी बाते जे ठंडक महसूस होवे ता हमनी उठब जा और हाय कि हमनी के जन हुनरबाज बाते ओकर संगे हमनी बतियाब जा। तो उठा जा और चल जा। जी हम बिल्कुल हुनरबाज का रकम देखा था वजह अभियोदय के बगल से और आज हमने के जो ना मेहमान बते ओकर नाम है अंजना बुझावन। एग्जैक्टली बबासे के रहेलन। सबसे पहले नमस्ते अंजना। नमस्ते अभिजीत। कैसे हो? ठीक हूँ। बहुत बढ़िया। आपका नाम अपन आप में बहुत ही जुली और अलग बाते। हमने की बतावा कि अंजना बुझावन के हवन। मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और आर्ट के सिवा मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, डांस बहुत पसंद है और मुझे हॉरर मूवीज़ देखना बहुत पसंद है। हॉरर मूवीज़ जी। और एस्ट्रोनॉमी भी मेरा पैशन है जी। मतलब रात के समय चांद? हाँ, मैं चांद तारे बहुत पसंद देखना बहुत पसंद करती हूँ। कितना घंटा? जब मैं छोटी थी तो 4 घंटे 5 घंटे। बाप रे। अब हमने के ये बतावा कि आप काहे औरत के प्रति इतना दिलचस्पी दिखावत हुआ? जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ पर्सनलाइज गिफ्ट करती थी, बर्थडे पर, न्यू ईयर पर, क्रिसमस पर, फेस्टिवल्स, तब मैं उसके हाथ बताती थी। और जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने वोकल इंडियन हिंदुस्तानी म्यूज़िक करती थी और भरतनाट्यम भी सीखी। जब कॉलेज छोड़ी तो वोकल म्यूज़िक मैंने जारी की, परफॉर्म भी किया। और एक दिन जब मैं घर पे थी, क्योंकि मेरे मेरे हस्बैंड जो है वो भी म्यूजिशियन है, अच्छा, तब वो परफॉर्म कर रहे थे, तब मैं घर में पेंटिंग कर रही थी और फेसबुक में शेयर करी। अच्छा। तब हुआ कि सब लोग जो है मेरे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आया। और मेरी ननद जो है एक दिन मुझे फ़ोन किया और कहा कि जब गणेश चतुर्थी पर तुम एक पेंटिंग बनाओ मेरे लिए। तो मैंने कहा हाँ। तब मेरा पहली पेंटिंग जो है गणेश चतुर्थी पर थी और उसके बाद बहुत सारा पेंटिंग्स मैंने की है। गणेश के साथ शुरुआत की? गणेश के साथ शुरुआत की। और एक दिन मैंने दक्षिता आदेली का जो
ऑनलाइन एग्जीबिशन थी, मैंने भाग ली और अवार्ड्स भी मिले. और एक दिन वो उसका जो फाउंडर है मिस्टर सुशील शर्मा मुझे फ़ोन किए और कहा कि अगर मैं मॉरिशियन आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहती हूँ. तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, क्योंकि उसने मेरे जो आर्टवर्क्स है बहुत पसंद आए. तो तब से 2019 पर अभी तक मैं मॉरिशियन ऑनलाइन एग्जीबिशंस करती हूँ, मॉरिशियन का प्रमोशन करती हूँ. हाँ और एकर संगे संगे डरावना फिल्म देखे के प्रति बहुत दिलचस्पी दिखावेला हमनी के हुनरबाज जे बुबासे के रहेलन और ओकर नाम है अंजना बुझावन. अब अंजना हमनी के ई बतावा कि दक्षिता और एसोसिएशन का है, तनिसन एकर बारे में सगबजा बतियावे. दक्षिता एक एसोसिएशन है जो दिल्ली में है. वो एसोसिएशन आर्टिस्ट को प्रमोट करती है. अच्छा. इंडियन आर्टिस्ट को प्रमोट करती है और इंटरनेशनल आर्टिस्ट को प्रमोट, हाँ को भी प्रमोट करती है. और इस ऑनलाइन एग्जीबिशन में मैं अकेली मॉरिशन थी जो पार्टिसिपेट की. और सिर्फ आर्टिस्ट को प्रमोट भी नहीं करती, वो जैसे कि आर्ट कोर्सेज भी देती है. अच्छा. आर्ट कोर्सेज और हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन को भी कोर्सेज देती है, को प्रमोट भी करती है. अच्छा. दिल्ली में. ओके. दक्षिता आर्ट एग्जीबिशन में हमनी के हुनरबाज ओ पहलका और मात्र मॉरिशन महिला रहलन जहाँ पर ई एग्जीबिशन में भाग लेलन. अब चला हमनी ऐसन ऐसन काम दिखब जा जे में हमनी के जन हुनरबाज के जन काम बाते, जन रचना बाते, ओकर जन पेंटिंग बाते, चला देखा जा. Mm-hmm.
टाइम मैनेजमेंट ये एगो ऐसा फैक्टर बाते जहाँ पर अगर निम्टे से अपन प्लानिंग करबा तो निम्टे से आप अपन समय के जीविजे करबा। अब हमने के ये बताव अंजना कि कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला, कहे कि आप बोले हवा कि फाइनेंशियल सेक्टर में आप काम करेला और तनी सन घर के भी कामकाज बाते करे के अपन माँ बाप के भी देखभाल करे के चाहिए और एक संगे संगे आपके जो पति बाते और आपके जितना जो जिम्मेदारी बाते कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला। मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है क्योंकि मैं फाइनेंशियल सेक्टर में हूँ बहुत प्रेशर है और मेरे आर्ट वर्क जो है वीकडेज पर नहीं होता क्योंकि थक जाती हूँ और काम काज करना पड़ता है तो मेरा जो आर्ट वर्क है सिर्फ वीकेंड पर। अच्छा। वीकेंड पर फ्राइडे नाइट्स या मोस्टली सैटरडे नाइट्स पर। अच्छा। 9 बजे से दिन सुबह के 3 या 4 बजे हाँ क्योंकि इस वातावरण में बहुत शांति है तो क्रिएटिविटी बाहर आता है और वो समय बहुत शांत है तो इसीलिए मैं इस घंटे में मैं वर्क करती हूँ सिर्फ वीकेंड पर। जी हाँ बिल्कुल, जब आप प्रकृति के भीरी हो करके जब आप अपन पेंटिंग करबा जब आप अपन चित्रकला करबा तब अपन आप में एगो दूसर प्रकार के ब्लेसिंग माने कि आशीर्वाद मिलेला और अलग तरह के एगो कैसे बोला बा एगो अलग तरह के जो भावना बातें उभर करके सामने आवेला। काहे कि प्रकृति के भीरी जब आप अपन पेंटिंग करबा तो एगो दूसर शक्ति मिलेला। अब हमनी अंजना भुजावन के देखब जा कि कैसे वो प्रकृति के वातावरण में रहकर वो अपन पेंटिंग करेला, देखा जा। जिंदगी में बहुत कई गो प्रकार के चुनौती रहेला बकेर अगर डट के सामना करवा है सब चुनौती के तो आपके जो काम बातें उन निमटे से समाप्त हो जाए। अब हमने के ये बतावा अंजना कि आपके जिंदगी में कौन कौन प्रकार के चुनौती माने चैलेंजेस बातें और आप कैसे है सब चैलेंजेस के सामना करेला। मेरा जो चुनौती है मेरा टाइम ये टाइम फैक्टर है क्योंकि जैसे कि मैं काम करती हूँ तो अगर मुझे एक पेंटिंग करनी है एक जो किसी के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। कहे कि पेंटिंग टाइम कंज्यूमिंग हाँ टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन एक और जो चैलेंजेस है ये है कि मॉरिशस में नेटवर्क ही नहीं है क्योंकि जैसे कि हम ऑनलाइन एग्जीबिशंस करते हैं लेकिन जब एक फिज़िकल एग्जीबिशन को जो मैं करना चाहती हूँ सब आर्टिस्ट के लिए तो कोई एडवाइस या कोई हेल्प नहीं मिलती या नेटवर्क ही नहीं है तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है।
जिंदगी में एगो ड्राइविंग फोर्स रहेला बकर उ लोग नहीं जाने लंजा कि है ओकर ड्राइविंग फोर्स बाते त हमने के ई बताव अंजना आप फाइनेंशियल सेक्टर में हो एकर संगे संगे आप तनिसन मतलब आर्ट की दुनिया में हो घर के कामकाज रहेला बकर है सब कैसे आप अपन ड्राइविंग फोर्स के समेट के आप आगे बढ़ेला कभी कभी रात के 1 बजे 2 बजे आप पेंटिंग करत हवा थक गल हवा बकर कैसे खाओ जा और उ बखत में के रहेला आपकी ड्राइविंग फोर्स मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है पहले गणेश जी है तो अगर मेरा जो फर्स्ट पेंटिंग है वहीं से शुरू हुआ है तो यही मेरा सब कुछ है और दूसरी है मेरी मेरे पति जो वो भी आर्ट में है तो मैं उस वो मुझे बहुत एंकरेज करता है और हमेशा मुझे गाइड करते आ रहे हैं और मेरी सास ससुर जी मेरा जो देवर है वो भी म्यूजिशियन है तो हाँ मैं एक म्यूजिकल बैकग्राउंड से आई हूँ और मेरे पेरेंट्स जो मैंने सीखी है और दो जो मेरी जो दक्षिता आर्ट में है वो है प्रवीण भवानी जिन जी जो प्रभो से जाने जाते हैं वो भी वो आर्टिस्टिक फोटोग्राफर है वो मेरे दाएं हाथ है और संध्या हरिराम जो एक और आर्टिस्ट है वो मेरी बाएं हाथ अच्छा तो वो हमें गाइड करते हैं मुझे समझाते हैं कि मॉरिशस के जो स्थिति है कैसी है आर्टिस्टिक वर्ल्ड में तो वो मुझे बहुत ही गाइड करते हैं तो वे सब मेरे ड्राइविंग फोर्स है बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम देखत हवा जा और आज हमने के जो मुख्य मेहमान बते ओकर नाम है अंजना बुझावन और उ आर्ट माने कि चित्रकला की दुनिया में बहुत दिलचस्पी दिखावेला और एकर संगे संगे एगो अलग कंपोजिशन नियन अपन काम करेला अब अंजना हमने के ई बतावा कि आपके जिंदगी में प्रेरणा स्रोत जेकरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बोलीला स के हवन मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो मेरे पति है क्योंकि वो मुझे हमेशा गाइड करते आ रहे हैं और मेरा दूसरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है म्यूज़िक क्योंकि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है और म्यूज़िक मुझे पेंटिंग करने देता है आई पेंट विद म्यूजिक म्यूजिक मेक्स मी पेंट अच्छा माने कि जब आप एगो एगो गणेश की मूर्ति बनावत हो या फिर जो पेंटिंग करत हो तो एगो बैकग्राउंड म्यूजिक रहे के चाहिए हाँ क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक ओके तो जितना जिन लोग ई बखत है कार्यक्रम देखा था अंजना अंजना उन लोग के कौन संदेश दिवा मेरा मैसेज है सभी को कि आप लोग किसी तरह की जो आर्ट है पेंटिंग हो सकते हैं डांस हो म्यूजिक हो आपको करना चाहिए क्योंकि टैलेंट जो है वो एक फूल की तरह है जिसने भगवान ने आपको दी है तो उसे आपको फ्लावर करनी है उसे जब आपको एक साइड में रखेंगे तो वो It will die. So you have to continue to preserve it. और मेरा संदेश है कि जो आर्टिस्ट है अगर आपके अंदर में एक टैलेंट है तो आप खुद दिखाना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि मॉरिशस में बहुत ऐसे लोग हैं जो अंदर में टैलेंट है तो आप सामने आइए और आप आपको आप दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं
जब कुल इरहल एगो मधुबनी पेंटिंग ता बहुत कुछ आज सीखे के मौका मिलल बाते अंजना बुझावन के संगे ता अंजना बहुत बहुत धन्यवाद आज मौका मिलल बाते बुबासे खासकर आपके लगे आपके जो प्रकृति से जुड़ल जो वातावरण बाते हाइजा पेंटिंग करे के आपको मौका मिलल बाते हमने के हाई सब देखे के भी मौका मिलल बाते बहुत धन्यवाद दर्शकगण एकरवे संगे हमने के हुनरबाज कार्यक्रम हाइजा फिनी होवा था आवत बीफे के एगो दूसरा हुनरबाज के संगे भेटाब सा तबले अंजना भुजावन और अभी उदय के बगल से सब कोई के नमस्ते।